गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है शहजाद फैमिली व्लॉग में। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अगर आप लोग की दुआ से। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज मुहर्रम की 10वीं यानी लास्ट मुहर्रम है, और हम लोगों का कल भी रोज़ा था माशाल्लाह, आज भी रोज़ा है। बट कल क्या हुआ कि मैंने कल व्लॉग बनाई थी, मैंने व्लॉग शूट करी क्योंकि हम लोग कल गए थे मीरा दातार दरगाह गए थे, तो हम लोगों ने कल वहीं रोज़ा खोले। तो मैंने व्लॉग बनाई थी बट गलती से ना मेरे से एक से दो क्लिप ना डिलीट हो गई, जो मेन क्लिप थी ना वो मुझसे डिलीट हो गई, तो पूरा एडिटिंग ख़राब हो गया था। तो हम लोग कल व्लॉग नहीं डाल पाए, इसीलिए मैंने पूरा ली थी वहाँ पर जब हम लोग गए थे, कैसे हम लोगों ने रोज़ा खोले थे कल, कितना फजीता हो गई थी हम लोग को। मीरा दातार दरगाह में भी बहुत गर्दी थी, बट वो गलती से दो तीन क्लिप चला गया। एक तो ज़्यादा बड़ी वीडियो में बना नहीं पाई थी गर्दी की वजह से, तो उसमें से भी डिलीट हो गया, तो फिर मैंने उसको पूरा ही डिलीट कर दी। मिली चलो खैर कोई ना, तो इसलिए मैं आप लोग का भी बता दे रही हूँ कि हम लोग का कल का भी रोज़ा था और माशाल्लाह आज का भी, 9वीं 10वीं का कल गए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्दी थी, आज बहुत सुकून मिला जाके। और माशाल्लाह हम लोगों ने कल 15 फ़कीरों को खाना भी खिलाया वहाँ पे, अच्छा लगा भी। और कल बारिश भी रुकी थी, आज भी बारिश रुकी है। बहुत दुआ किए थे कि कल बारिश ना हो, तो कल बारिश नहीं हुई और आज भी रुकी है, पहले से कम हो गई है बारिश। तो खैर कोई ना, बस अभी बैठे सुबह से उठे, नाश्ता तो खैर हम लोगों की सहरी 3-3:30 बजे हम लोगों ने सहरी करके सो गए थे, फिर उठे वही नॉर्मल काम वाम किए, पानी भरे, बस अभी बैठे। अम्मी गए थे हड़पनगर लेकर आए खाने पीने का सामान, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या मिला है मार्केट से। आप लोग तो चले, मैं तो मार्केट से आ गई हूँ। आज का तो हम लोग का 10वां रोजा है हम लोग का। हाँ 10वीं का। मैं गई थी बाजार, बाजार में तो कुछ सामान मतलब भाजी वाजी तो लगी नहीं है, तो जो मिला अल्लाह का शुक्र है लेकर आ गई हूँ। थोड़ा बहुत खाने पीने का था इन लोगों को, तो लेकर आ गई क्योंकि हम लोग सब रोज़ा है। मैं, सुहान, अम्मी और अब्बा तो अभी बाहर गए, मतलब काम पे से अभी तक मतलब आए नहीं। अब्बा बाहर ही, बाहर साइड में दूर है अब्बा तो। और आज तो मेरे को टमाटर का भाव पूछ के मेरे को तो बोलते ना हार्ट अटैक आ गया मतलब ऐसा हो गया कि मैं पागल हो गई। 40 रुपये मुझे पाव से मिला आज का, 50 का आधा मिल रहा था अभी, 40 का पाओ। ये इतने से टमाटर की वैल्यू देख रहे हो गाइस आप लोग, इंसानों से ज्यादा वैल्यू है टमाटर की अभी आज की डेट में। तो आज गई लाने के लिए, तो मैं टमाटर नहीं था, मुझे चलो देख के लाती हूँ, तो मुझे 40 रुपये पाओ बनके मेरे को एकदम सदमा हो गया एकदम से। और सुहान भी अभी तक बाहर ही है, आज उन लोगों ने शरबत, ये मेरे को बहुत पसंद है, ये मेरी अम्मी भी तलते हैं ना, इसमें मसाला लगा के खिचड़ी के साथ मजा आती है खाने। तो मैं लेकर आके रखी, कभी बारिश वारिश रहती है तो कुछ मिर्ची चटनी बना के कुछ भी खा सकते है। बैंगन लेकर आई मेरे 30-15 रुपये पाओ से। हाँ 20 रुपये बोला, मुझे 15 रुपये पाओ में दे दिया उसने, 15 रुपये पाव मिलाई। गवार लेकर आई मैंने, मतलब लेकर आ गए 2-3 दिन की भाजी। गवार भी मच्छी मिल रही थी 20 रुपये पाओ, गवार लेकर आई। चिकन लेकर, चिकन लेकर 100 रुपये का मेरे लेके आके रख लेती हूँ। मेथी की भाजी और पालक वाले भी काट के रखे हुए अम्मी ने परसों ही शायद लेकर आए थे। कल ही लाए थे, और मैंने कल वीडियो में बोली थी बट वो वीडियो ही डिलीट हो गया, तो वो आया नहीं पाया। साफ करके धो धा के मैंने रखती हूँ। और ये अफ्तारी के लिए अम्मी लेकर आए थोड़ा सा सामान, समोसा लाए, इसमें क्या है अम्मी, कबाब पाव है, केला, और केला मिला, बाकी कुछ भी नहीं है मार्केट में, कुछ भी नहीं है। हरा मसाला तो मस्त, कल भी मैंने हरा मसाला लाई थी, आज भी मैंने, आज भी लेकर हरा मसाला बहुत साफ है। हाँ वो बहुत गंदा था ना, उसमें बहुत अच्छे से साफ, गंदगी अच्छी नहीं लगती जरा भी। गाइस हम लोग कांदा बटाटा भी लेकर आई हूँ, कांदा बटाटा भी। तो ये अरे बाप रे, तो ये छोटा मोटा घर का जो सामान रहता है, ये अफ्तारी का कुछ ज्यादा मिला ही नहीं बाहर, ये मिला जो भी अभी, खैर कोई ना इससे ही खोलेंगे और खाना खा लेगी गरम गरम बना के, कोई बात नहीं। हाँ सुहान भी सुबह से आज शरबत बनाने में लगा हुआ था, तुम लोगों को शरबत भी नहीं मिला। नहीं तो सुहान लाया ना, हाँ, एक बोतल ना छोटी, हाँ तो
हाँ तो हम लोग का रोजा है, तो चखे नहीं, अब रोजा खुलेगा तो हम लोग चखेंगे रोजा खोलने के बाद। हाँ सुहाने लेके आए, वरना हर साल एरिया में बनता है बट इस साल नहीं बना। एरिया में कुछ अभी सजावट हो रही है लेकिन पता नहीं क्या बन रहा है, मेरे ख्याल से खिचड़ा बन रहा है या क्या बन रहा है पता नहीं है। हाँ सब मंडप वंडप लगा रहे हमारे, बट अभी तक मुहर्रम का शरबत पीने, अभी मेरे भाई ने ला के रखा है तो अभी वो हम लोग अफ्तारी के बाद ही पिएंगे। तो अभी कितना बज रहा है, बजने आया 7:30 बजे तक का अफ्तारी, अफ्तारी खुल के फ्री हो गए, अफ्तारी का टाइम हो गया और हम लोग बैठे अफ्तारी करने के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको अफ्तारी करने के बाद। 7:15 भी सभी होने वाला है, तभी अजान हो जाएगी और सुहान को लगी है एकदम से एकदम सुहान को रोजा लग गया। कल भी एकदम मुँह छोटा सा कर लिया था, राजेश का मुँह एकदम छोटा सा हो गया, लेकिन आज मतलब जैसा गर्मी नहीं है तो मालूम नहीं पड़ा, बरसात का मौसम है तो इतना मालूम नहीं पड़ा। और ये शरबत बनाए सुहान के दोस्त लोग ने, शरबत के बारे में बोल रहे थे तो हम लोग के वजह से शरबत भी आ गया, शरबत भी मिल गया। और ये सुहान ने लेकर आया, ये बॉटल में शरबत लेकर आया था, इसके दोस्त ने बनाया था घर पे। तो चलो मिलते हैं अफ्तारी के। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की अफ्तारी हो गई, अफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के बस जस्ट बैठे, अभी अम्मी नमाज़ पढ़ रहे हैं और मैं जा रही थी चिकन साफ़ करने के लिए। आज बनने वाला है पालक मेथी और चिकन, मतलब मेथी पालक जो अम्मी ने तोड़ के रखे थे उसमें चिकन डाल के बनाए गए। तो अभी मैं बस साफ़ करने बैठी हूँ, चिकन साफ़ कर ली। चिकन साफ़ करके बहुत दिनों बाद आज मैं और मैरी निकले हैं बाहर, बहुत दिन बाद हम लोग ऐसे निकले टाटा कंपाउंड साइड्स, बोले चलो आज थोड़ा सैर करते हैं। वरना पहले जब हम लोग पहले रूम में रहते थे तो वहाँ गर्म की वजह से हम लोग डेली निकलते थे, लेकिन अभी नहीं निकलने लगे थे, बट आज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम है ना, बहुत अच्छा। चलो चलते घर पे, और मैरी ने आज मुझे बहुत चलाई। बोलती है वजन कम करने का है, तो वजन कम करने के चक्कर में इसने मेरे को भी घूमा, आधा भी नहीं, मम्मी बोलते आधी भी चर्बी नहीं होगी तेरी। तो हम लोग जस्ट आके भाजी बन रही, चावल बन गया, चावल दम हो रहा है यहाँ पे। हाँ माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी है। पर्पल से एक ऑयल और फेस वॉश मंगाई थी तो डिलेड हो गया आने में डिलीवरी, और मैंने देखो खोल भी दी थी घाई घाई में, मुझे खोलने के बाद याद आया कि मेरे को ब्लॉग शूट करना था, तो मैंने इसका पूरा पैकेजिंग खोल ली। और ये रहा, ये मामा अर्थ का अनियन तेल मंगाई हूँ मैंने हेयर, क्योंकि मेरे बाल बहुत जा रहे। और मैंने ये फेस वॉश मंगाई हूँ क्यों, क्योंकि ये 349 का कुछ था, तो पर्पल ऐप पे कैसे 500 होगा तो ही अपना ऑर्डर एक्सेप्ट होगा, क्योंकि 500 से नीचे रहेगा तो लोग नहीं लाते। तो फिर मुझे उसके साथ मैंने बोली क्या लूँ, तो मैंने ये मुझे 150 का ये फेस वॉश मिला है, ये 349, तो टोटल मुझे 521 का दोनों भी पड़ा, क्योंकि मेरे हेयर बहुत जा रहे थे। तो मैंने देखी थी ये वाला ऑयल और इसके रिव्यू भी पर्पल पे माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, तो मिले चलो जब इतना सब कुछ कर ही दिए तो ये भी ऑर्डर कर लेते हैं। और मेरा फेस कैसा बहुत ऑयली है, तो मैंने उसके लिए ये फेस वॉश मंगाई हूँ, क्योंकि ऑयल कंट्रोल फेस वॉश है ये, मतलब ऑयल अच्छा साफ होता है अपना फेस इससे, है ना मेरी। और मुझे उसके साथ कहाँ गया, हाँ ये मुझे पर्पल वाले ने इतने दिन बाद ऑर्डर लेट आने पे मुझे इन्होंने ये दिए थे, मतलब इसके अंदर है ना ये पैकेज के अंदर कहाँ गया इसका पैकेट, हाँ ये गोल्ड प्राइमर था इसके अंदर था, मतलब ये वाली पैकेट है ना इसके अंदर था, थोड़ा सा था तो हम लोग ने लगाए। मैरी के चीक्स देखो कितने चमक रहे हैं, हाँ तो ये वाला प्राइमर था, गोल्ड प्राइमर है, तो ये मतलब 1 रुपये का बोल रही है, ये 1 रुपये का है शायद से। तो बहुत दिन मतलब डिलेड हो गया बहुत डिलीवरी आने में, बट फाइनली मुझे मेरी डिलीवरी मिल गई पर्पल ऐप की, जो मैं मंगाना चाहती थी। और मैं इंशाल्लाह पर्पल ऐप से बहुत जल्दी और भी प्रोडक्ट्स बाय करूँगी, जो भी मेरे मेकअप के सामान है, बिकॉज वो 100% ट्रस्टेड है, वहाँ पे ऐसे कुछ भी बोलते ना फेक नहीं कुछ नहीं, आप ऑल रिव्यू देखिए है ना, और ऑर्डर में सबसे ज़्यादा ये सब तोड़ते बैठे थे, देखो इसको ये भी तोड़ते यही बैठा हुआ है। तो कैसा लगा गाइस ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, और आप लोग भी ये यूज़ करे हो या करते हो तो मुझे ज़रूर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का खाना हो गया, खाना खा के बैठे, और माशाल्लाह भाजी बहुत अच्छी बनी थी ना, भाजी
भाजी बहुत मस्त। मेरे मुंह दब जाएगा। अरे देखो इसको बोला डब डब डब, क्या बोलते वो पता नहीं कौन सा क्या है स्वान को तो आता भी नहीं बोलने, वैसे पहन के पेट हिलाता है बहुत, दिखाओ क्या। तो बस कुछ नहीं, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना और बेल घंटी बटन दबाना मत भूलना। तो चलिए गाइस अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे वापिस एक नए वीडियो के साथ। बाय। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now.